हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेजर ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में जो 14th आईपीएल का मैच होने वाला है उसकी। तो यहाँ पर हम टीम बनाएंगे हाला प्ले की और देखेंगे एक और साइड को। बट उससे पहले देख लेते हैं, ये हमारी कल की विनिंग है जो मैंने आपको टीम दी थी उसका रिजल्ट है ये। और यहाँ पर अगर आपने सेम टू सेम टीम भी लगा दी होगी तो आपको 75 रुपीज मिल गए होंगे 50 रुपीज़ के। तो ये फ्री एंट्री हमें मिली है सीजन पास के थ्रू और ये हमने यहाँ पर 75 रुपीज़ विन किए हैं। बहुत ज़्यादा विनिंग नहीं है हमारी, बट आप देख सकते हैं एंट्री फी हमने वापस ले ली है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक मौका था 1,50,000 रुपीज़ जीतने का, जो कि हमारे पास हमेशा रहता है। बट आपको कम से कम आपकी एंट्री फी तो वापस मिली गई विद प्रॉफिट। कभी हमेशा नहीं मिलेगा आपको फर्स्ट प्राइज, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, आप कोशिश करते रहेंगे तो। बाकी सेम टू सेम मैंने आपको टीम दी थी और आज की भी ऐसी आपको टीम दूंगा कि कम से कम आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो आपको विद प्रॉफिट वापस मिले। ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट ये है कि कम से कम प्रॉफिट इतना तो होगा कि आपकी एंट्री फी वापस निकल जाएगी। और कभी ना कभी एक मौका होगा जब आप 1.5 लाख और 1 लाख रुपये भी जीतेंगे। तो गाइज, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज के मैच की। तो गाइज, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टीम बनाई हुई है मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में जो मैच होने वाला है उसकी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, बिकॉज इनको यहाँ पर इकोनॉमी के प्लस मिड इन ओवर के बहुत पॉइंट मिलते हैं। और अगर किसी बॉलर को विकेट नहीं भी मिलता है तो भी उसको पॉइंट अवार्ड मिल जाते हैं इकोनॉमी के। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर अपनी टीम में रखने के लिए। बाकी आपको पता है पिच यहाँ पर जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है और बैट्समैन भी यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे, बट यहाँ पर स्कोरिंग में पॉइंट्स जो है वो बैट्समैन को थोड़े से कम मिलते हैं। और बाकी यहाँ पर थोड़ा भरोसा भी नहीं है बैट्समैन का, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर ऑलराउंडर अपनी टीम में लें तो आपकी कम से कम एंट्री फी तो वापस हो ही जाएगी और जब आप हेड टू हेड मैचेस खेलेंगे उसमें भी आपके विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्विंटन डिकॉक है और इसके बाद ईशान किशन है। क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे, ईशान किशन फर्स्ट डाउन जाएंगे, तो दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। बाकी आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं और टॉप ऑर्डर के दोनों ही बैट्समैन हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी आपको किसको लेना है। यहाँ पर मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ, आप चाहें तो ईशान किशन को भी ले सकते हैं। और हाला प्ले में एक आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है कि यहाँ पर टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 आ जाती है उसके बाद आप यहाँ पर टीम एडिट कर सकते हैं। तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं कि आपका प्लेयर नहीं खेलेगा, आप एक बार प्लेइंग 11 आने के बाद अपनी टीम एडिट कर लें यहाँ पर आके, और जो प्लेयर आपका नहीं खेल रहा हो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ से हार्दिक पंड्या, कृणाल पंड्या को मैंने लिया है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर जो अवेलेबल थे यहाँ पर, मैंने उनको भी यहाँ पर पिक कर लिया है। इसके अलावा कॉलिन डी ग्रैंडहोम के चांसेज हैं, अगर ये खेलते तो आप इनको ले सकते हैं। ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कुछ 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं। पवन नेगी के चांसेज यहाँ पर कम है। और इसके अलावा बात करें कैरन पोलार्ड की, तो इनको कभी भी टीम प्रमोट कर सकती है बिकॉज अभी तक इनका एडवांटेज नहीं लिया है और मुंबई इंडियंस को जीतना है मैच तो इनको मेरे हिसाब से प्रमोट करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इनको भी ले सकते हैं। और डुमिनी के भी चांसेस है बट कम चांसेस आज खेलने के। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से जसप्रीत बुमराह को मैंने लिया है, युजविंदर चहल को लिया है, क्रिस वोक्स को लिया है जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है उसमें मुस्तफिजुर रहमान है, आप चाहे तो इनको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अकीला धनंजय को मत लीजिएगा, बहुत ही कम चांस है और शायद नहीं खेलेंगे आज बिकॉज जो इनकी पोजीशन है ये मैकलगन की जगह पे आए थे बट कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले मैच में, तो टीम में इनकी जगह नहीं बनती है। फिर यहाँ पे मयंक मारकंडे बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, सिर्फ थर्ड मैच में फेल हुए हैं, फर्स्ट सेकंड मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे लगता है इस मैच में वापसी करेंगे। और इसके अलावा मैकलगन के भी चांसेस हैं बट उतने नहीं है जितने एडम मिलने के हैं, तो या तो मैकलगन खेलेंगे या एडम मिलने खेलेंगे। मैकलगन के चांसेस 30% है, एडम मिलने के चांसेस 70% है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मिलने, अगर आपको लेने हैं तो मिलने को लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इस चीज़ का इशू नहीं कि आपका प्लेयर नहीं खेलेगा, जब आप टीम एडिट करने आएंगे यहाँ पर तब आप देख लीजिएगा मैकलगन खेल रहे हैं, एडम मिलने खेलेंगे, अगर मिलने खेलते तो उनको जरूर लीजिएगा बिकॉज फास्ट बॉलर है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है। बात करते हैं यहाँ पर और चॉइसेस में, तो यहाँ पर कुलवंत खिजरोलिया है बट इनके चांसेस थोड़े से कम है खेलने के बिकॉज पिछले मैच में बहुत पिटाई इन्होंने खाई थी और यहाँ पर इनकी इकोनॉमी भी ठीक नहीं थी, विकेट्स भी कुछ नहीं मिले, तो मेरे हिसाब से इनकी टीम में जगह नहीं बनती है। उमेश यादव बहुत अच्छी चॉइस है आपके लिए, फास्ट बॉलर है और इनको इस पिच पर हेल्प मिल सकती है। और इसके बाद यहाँ पर फिर जो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है उसमें नवदीप सैनी है, अगर खेलते तो इनको आप ले सकते हैं और हो सकता है इनको मौका दे टीम, बाकी 100% नहीं बोल सकता। बैटिंग सेक्शन से यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, एबी डिविलियर्स लिए हैं, एविन लेविस लिए हैं और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव लिए हैं। आपके पास और ऑप्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ब्रेंडन मैकलम है। ब्रेंडन मैकलम थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रोहित शर्मा थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाकी विराट कोहली फॉर्म में, आप इनको ले सकते हैं अपनी टीम में। और यहाँ से फिर बात करें तो यहाँ से मनदीप सिंह एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और कंटिन्यूसली अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मनन वोरा के भी आज चांसेस हैं और हो सकता है इनको टीम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भेज दे अपनी डेप्थ बढ़ाने के लिए बैटिंग की।
तो ऐसा टीम कर सकती है, तो ग्रैंडली के लिए अच्छी चॉइस आपके लिए मनन वोरा बन सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ से कोई और चॉइस आपके पास नहीं बची है। बस आपको यहीं पर एक हिंट मैं दूंगा, आपको अगर टिप दूंगा ये, तो यहाँ पर बॉलर्स और ऑलराउंडर अपनी टीम में भर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छे अच्छे। और बैट्समैन ज़्यादा कोई खास यहाँ पर पॉइंट्स अवार्ड नहीं होते हैं, अगर बैट्समैन 50-60 रन स्कोर करता है तब जाके उसको कुछ पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, और उससे कम में यहाँ पर कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। बॉलर की ज़्यादा अहमियत है और ऑलराउंडर की भी ज़्यादा अहमियत है। सेव करते हैं, देखते हैं आज की टीम, तो आज की टीम ये है और इसी टीम के साथ मैं जाऊंगा। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, प्रेफरेबल ऑप्शन में ऑलराउंडर और बॉलर्स होंगे, तो जिस पे आपको भरोसा है उसको आप लें। मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, बिकॉज दोनों ही पांड्या ब्रदर्स यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए, बैटिंग भी इनकी थोड़ी बहुत आ जाती है, प्लस 3 से 4 ओवर दोनों ही बॉलिंग भी करा लेते हैं। कृणाल पांड्या खास करके इस पिच पर इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, तो कृणाल पांड्या को मैं कैप्टन बना रहा हूँ, और आप भी चाहें तो इनको कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, बट अगर बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है तो फिर आपके लिए कोई अच्छी चॉइस नहीं साबित हो सकता। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तो ऑलराउंडर और बॉलर बॉलिंग सेक्शन में ही है, तो यहाँ से बॉलर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप चाहें तो क्रिस वोक्स को ले सकते हैं, मयंक मार्कंडे जिन्होंने 2 मैच से कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया था इनको आप ले सकते हैं, हार्दिक पांड्या अच्छे ऑप्शन है, तो जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो इन सबको आप चूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मैं टीम को सेव करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर हमारी हाला प्ले की टीम खत्म हो गई। अगर आप हाला प्ले पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से आ सकते हैं, कुछ आपको बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लीग्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीजन पास खरीद सकते हैं, तो आपको बहुत प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, बट एक बार पॉइंट सिस्टम देख लें। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को यहाँ पर फायदा होता है। तो गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर एक न्यू साइट की, देख लेते हैं वो क्या साइट है। तो गाइस बात करेंगे यहाँ पर हम टीम की, तो टीम आपको ऐसी बनानी है कि आपको यहाँ पर न्यूट्रल टीम बनानी है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैट्समैन डोमिनेट करता है या फिर बॉलर डोमिनेट करता है। यहाँ पर पॉइंट सिस्टम इस तरीके का सेट किया गया है कि यहाँ पर एक आपको न्यूट्रल टीम बनानी है, और जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो डिजर्विंग होगा और उसको उसी हिसाब से पॉइंट अवार्ड होंगे। तो एक बार इनका पॉइंट सिस्टम भी आप देख ले, बाकी ये लगभग लगभग ड्रीम इलेवन जैसे ही है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने क्विंटन डिकॉक को लिया है और ऑप्शन में ईशान किशन भी है। फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ से मैंने जिन प्लेयर्स को लिया है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैरन पोलार्ड की, तो इनको आप ले सकते हैं, बट टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने अगर टीम इनको भेजती है तो ही आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और ऐसा टीम कर सकती है। यहाँ पर मैं ए बी डिविलियर्स को ले रहा हूँ, एविन लेविस को ले रहा हूँ जो कि इन फॉर्म चल रहे हैं, आप चाहे तो ब्रेंडन मैकलम को ले सकते हैं बट वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यहाँ से फिर मयंक मार्कंडे को मैं ले रहा हूँ जो कि एक बॉलर हैं बट बैट्समैन सेक्शन में दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट बॉलर है इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। फिर यहाँ से रोहित शर्मा को आप ले सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को ले रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर न्यूट्रल टीम बनती है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी पॉइंट्स अर्न करने में या फिर बैट्समैन को ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं बैटिंग के लिए। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट सिस्टम है जो दोनों को ही फेवरेबल होता है, तो उसी हिसाब से टीम बनाइए। ऑलराउंडर सेक्शन में जो आपके पास ऑप्शन होंगे वो कोरी एंडरसन ग्रैंड होम आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी मैकलम के ज़्यादा चांसेस खेलने के। यहाँ से मैं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को ले रहा हूँ, और यहाँ से फिर ऑप्शन में मनदीप सिंह है, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में, तो देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में हम क्या ले सकते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में जो प्लेयर अवेलेबल हैं इसमें आपके लिए जो अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं उसमें मुस्तफिजुर रहमान को आप ले सकते हैं, उमेश यादव को ले सकते हैं, क्रिस वोक्स और बुमराह मेरी पहली चॉइस होगी, बिकॉज क्रिस वोक्स बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और जो जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी आप कह सकते हैं बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। फिर इसके अलावा यहाँ से जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें आपके लिए युजवेंद्र चहल एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन यहाँ पर मैंने कृणाल पांड्या को रखा है और वाइस कैप्टन क्रिस वोक्स को रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सेफर ऑप्शंस के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बैट्समैन ले सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर बॉलर्स को फायदा होगा या बैट्समैन को फायदा होगा, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम है, तो आप उसी हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं जैसे आप ड्रीम इलेवन में रखते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, रोहित शर्मा भी अच्छी चॉइस हो सकती है जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, एविन लेविस के और सूर्य कुमार यादव, तो ये भी अच्छी ऑप्शन है। और इसके अलावा जो ऑप्शन है उसमें मनदीप सिंह, और इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं सूर्य कुमार यादव, मनदीप सिंह और सूर्य कुमार यादव अंडर डॉग प्लेयर हैं और हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इन पर लोगों की ज़्यादा नज़र नहीं है, आप चाहें तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में रख सकते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से। बाकी स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या और क्रिस वोक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो गाइज यहाँ पर हम वीडियो खत्म करेंगे और आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करें तो ड्रीम इलेवन कोड लगा दें, सिर्फ आपको ड्रीम इलेवन कोड डालना है तो इससे होगा ये, आपको जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 2% आपको रियल कैश मिल जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा पेटीएम से भी
इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जब आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर रजिस्टर करते टाइम डालेंगे तो जीमेल और फेसबुक से आप लॉगिन ना करें, अगर आप उससे लॉगिन करेंगे, उससे साइन अप करेंगे तो आपको रेफरल कोड का फायदा नहीं मिलेगा और 100 रुपीज आपको कैश नहीं मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को, रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको 100 रुपीज मिल जाएगा। और जब आप डिपॉजिट करें पैसा तो ड्रीम इलेवन आप कोड डाल दें तो उससे आपको क्या होगा, 2% कैश, रियल कैश आपको मिल जाएगा जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका। तो गाइस खत्म करते हैं वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ध्यान सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।